इसके बाद जिहाद के मसाइल हैं, अहकाम हैं, हज के अहकाम हैं। और हाँ, हज के अहकाम बताते हुए एक दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। क्या अल्लाह हमें इस दुनिया के अंदर हसीन जिंदगी अता फरमा, आखिरत में भी हसीन जिंदगी अता फरमा। मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम दीन इख्तियार करें तो इस दुनिया से हम बिल्कुल फारिग हो जाएं, फाक हो जाएं। हज में भी बताया कि देखो हज करो, और ऐसा नहीं है कि हज के दौरान तुम तिजारत ना कर सको, तिजारत भी करो। दीन रहबानियत का नाम नहीं है, दीनदारी करते हुए, इबादत करते हुए तुम अपनी जरूरियात भी पूरी करो, साथ के साथ तिजारत भी करो। और फरमाया कि जिंदगी इस चीज का नाम नहीं है कि तुम या इधर के हो रहो या इधर के हो रहो, नहीं, मुतवाजन जिंदगी, दुनिया भी और दीन भी, दोनों को हासिल करना है। और शरीफ आगे चल के हम देखेंगे तालीम आती है कि निजाम तालीम भी ऐसा है जिसमें कि दुनियावी तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो, उन दोनों का हसीन इम्तिजाज हो।